big boys call from via home on SIM-1. Incoming voice call from via home on SIM-1. नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, वो है मतलब कॉल अनाउंसमेंट। जैसे आपका कॉल आता है ना, जिस नंबर से आप मतलब नंबर सेव किए हैं, वो आपका अनाउंसमेंट होगा। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया होम लिखा है। क्या अनाउंसमेंट करेगा वो, उसमें थोड़ा थोड़ा रिंग टोन भी चलेगा, जो भी आप रिंग टोन है वो भी चलेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा यही वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, और मैं बता देता हूँ, जो गूगल का डायल पैड आता है, जो कि आप देख सकते हैं गूगल का डायल पैड है, ये रियल मी रहे या वीवो रहे या ओप्पो रहे, हम तो टाइटल दिया है वीवो का और ये मोबाइल है रियल मी का। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाला जो आपका डायल पैड है ना, ये वाला अब जितना भी मोबाइल आ रहा है ना, सब में यही वाला डायल पैड आता है। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जब भी आपका फ़ोन आएगा तो आपको तो टेलर देख ही चुके होंगे, फ़ोन आ रहा है तो मतलब अनाउंसमेंट हो रहा है, जिसका नाम से मैं नंबर सेव किया है ना, उनका अनाउंसमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर कर दें, और दोस्त कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मतलब कौन सा कंपनी का मोबाइल चला रहे हैं आप। तो दोस्तों, आप उसके रिकॉर्डिंग हम वीडियो लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डॉट मिल जाता है। अगर आपका ऐसा डायल पैड है तो देख सकते हैं यहाँ पर माइक होगा और एक 3 डॉट होगा। तो दोस्तों, इस 3 डॉट पे आपको टच करना पड़ेगा। 3 डॉट पर जैसे टच करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है। यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। जैसे सेटिंग वाला ऑप्शन पे टच करेंगे ना, तो आपका अगर गूगल का डायल पैड है तो दोस्तों कुछ इस तरीके का, जितना नया मोबाइल निकल रहा है सब में यही डायल पैड आता है। और आप देख सकते हैं कि मतलब कुछ इस तरीके का इसका मतलब सेटिंग दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, जो कि दोस्तों हम आपको दिखा दे रहे हैं, यही है कॉलर आईडी अनाउंसमेंट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कॉलर आईडी अनाउंसमेंट। तो दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है अलाउंस कॉलर आईडी ऑलवेज, मतलब मेरा सेलेक्ट है। तो दोस्तों, आपका नेवर होगा। तो दोस्तों, आप जैसे इस पे टच करेंगे ना, तो नीचे वाला पे अपना सेलेक्ट होगा। तो नीचे वाला सेलेक्ट है, तो इसके लिए आपको ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर वाला सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद अब अपने मोबाइल पे कॉल करना है, कॉल करके और देखना है मतलब अनाउंसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करना है अनाउंसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं हम इसको कट कर दे रहे हैं, 20 से कट। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं मतलब दूसरे मोबाइल से हमने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और मेरा मोबाइल टेबल पे है, और आप देख सकते हैं अब इस पे जब भी मैं कॉल करता हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मतलब कॉल कट जा रहा था। तो दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, अब मैं दूसरे मोबाइल से फ़ोन करके दिखाते हैं। Incoming voice call from via home on SIM-1. Incoming voice call from via home on SIM-1. Doctor. तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मतलब जैसे कि नाम जैसे मैं सेव किया है, नाम मतलब जो नंबर से नाम सेव किए वही अनाउंसमेंट हो रहा है और रिंग टोन भी बज रहा है। तो वीवो 4G 5G जो भी मोबाइल है आपके पास, न्यू जो भी आ रहा है, मतलब जब भी आपके मोबाइल में कहीं पर सेटिंग ख़राब हो जाता है, अगर आपको समझ नहीं आता है, जैसे सेटिंग ख़राब हो गया आपको समझ नहीं आता है, तो उस सेटिंग को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके साथ साथ में जितना भी सेटिंग है सब सेटिंग सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको जब सेटिंग नहीं समझ आ रहा है तब भी एक काम करना। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सेटिंग जो होता है ना उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, चलिए हम चलते हैं सेटिंग पे। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, स्क्रॉल करके आप जैसे नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम, इस वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। जैसे इस पे टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रीसेट, इस वाले ऑप्शन पे टच करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएगा, रीसेट वाईफाई, रीसेट। तो दोस्तों, ऐसे में आपको 3-4 तो जो लिखा है रीसेट ऑल सेटिंग, इस पे आपको टच कर देना है। जैसे इस पे टच करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है,
पूरा यहाँ से आपको ऑल सेटिंग को रीसेट कर देना, जो भी आप मोबाइल में सेटिंग किए होंगे ना वो सब आपको रीसेट हो जाएगा। पहले लॉक खोल लेते हैं, उसके बाद अब यहाँ से ऑल रीसेट करते हैं। तो जितना भी आप सेटिंग किए हैं, जिस तरीके का मोबाइल न्यू आता है सेटिंग रहता है, उसी तरीके का आप सेटिंग हो जाएगा, एकदम मोबाइल स्विच ऑफ होगा, उसके बाद आपका मोबाइल फिर से ओपन हो जाएगा। मोबाइल अगर वीवो का मोबाइल अगर आप खरीदे हुए हैं तो उसमें क्या है कि आप जब भी मोबाइल को चालू करते हैं या जब भी मोबाइल को रिसेट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी हटता नहीं है, एंड्रॉइड सेटअप। तो दोस्तों एंड्रॉइड सेटअप ये कैसे हटेगा, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपका वीवो का मोबाइल है, अगर आप रिसेट कर दिए हैं, कोई भी मोबाइल है आप रिसेट कर दिए, अगर ये वाला नोटिफिकेशन आ गया तो इसको एकदम आसानी तरीके से आप हटा सकते हैं। तो दोस्तों एंड्रॉइड सेटअप आप ये जो है ना बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, इसको आप हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप बता दीजिए आप कौन सा कंपनी का मोबाइल चला रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। उसके रिलेटेड हम वीडियो जितना हो सकेगा उतना हम लेके आएंगे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब इसको कैसे हटाना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट वगैरह सब कुछ चालू करके रख लेना है। जब इंटरनेट आपका चालू रहेगा तभी ये काम करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा इंटरनेट चालू है, उसके बाद आपको यहाँ पर टच करना है, इसी पे आपको टच करना है। जैसे आप इस पे टच करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर सेटअप स्टार्ट वाला ऑप्शन है, इस पे आपको टच करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे करेंगे उसके बाद साइड में जो ऑप्शन दे रहा है सेटअप यू सेटअप ऑफ जो ऑप्शन है, इस पे आप जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको टच करना है। जैसे यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नो थैंक्स वाला ऑप्शन है, इस पे आप जैसे टच करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, और जब भी आप ऊपर से स्क्रोल करके देखेंगे यहाँ से आपका नोटिफिकेशन हट जाएगा। तो दोस्तों बस इतना शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी वाला सेटिंग। तो दोस्तों अब आपको आ जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पर। तो दोस्तों चलिए हम सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन है, इस पे आपको टच करना है। जैसे आप इस पे टच कर देंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप देखते हैं स्मार्ट मोशन वाला ऑप्शन है, इस पे आपको टच करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, इस पे आप जैसे टच करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर राइज टू वेग इस बटन को ऑन कर देंगे तो इससे आपका क्या होगा, मोबाइल को ऑफ कर दिया, जैसे हाथ में लेंगे ना तो स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, मोबाइल का बटन या पावर बटन दाबने का जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब ये दूसरा वाला ऑप्शन है डबल टैप टू वेक, तो दोस्तों इस बटन को ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होगा ना, आप जब स्क्रीन को ऑफ कर दिए दो बार स्क्रीन पर टच करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। अब जो नीचे वाला ऑप्शन डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ, तो दोस्तों इसको ऑन कर देंगे दो बार टच करेंगे स्क्रीन पे स्क्रीन ऑन हो जाएगा, दो बार और टच करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। इतना सेटिंग करने के बाद आपको एक बार आ जाना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पर सी टू टर्न ऑन प्लस लाइट, दोस्तों इस नीचे वाले बटन को ऑन कर देंगे, जब भी आप मोबाइल को हाथ में हिलाएंगे कस के ना तो क्या है फ्लैश लाइट आपका ऑन हो जाएगा। अगर इसको ऑफ करने का है तो दो बार पावर बटन को दाब दीजिए, फ्लैश लाइट बंद हो जाएगा। दोस्तों एक सेटिंग और बताते हैं, दोस्तों फिर से आपको आ जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पर, उसके बाद फिर स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पर आपको डायमेंडिंग इफेक्ट आपको दिखने को मिल जाएगा, इस पे आपको टच यहाँ पर आपको दिख जाता है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, इस पे आपको टच करना है, उसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पर एकदम नीचे देखेंगे लाइट इफेक्ट फॉर्म नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं जैसे आपको इस पे टच करना है, जैसे इस पे टच करेंगे यहाँ पर आपको इफेक्ट मिल जाएगा, कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मोबाइल के चारों साइड जब भी आप मैसेज आएगा ना तो क्या होगा कि इस तरीके का लाइट जलेगी आपकी मोबाइल में, जो कि इफेक्ट काफी अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। तो दोस्तों एक और सेटिंग, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब भी आप स्क्रीन को ऑन करते हैं तो मतलब आपको कैसा मतलब एनिमेशन चाहिए, मतलब आपका लाइट मोबाइल को कैसा जलना चाहिए, यहाँ इसके ऊपर ही दिया है USB एनिमेशन, इस पे आप टच करेंगे तो आप मतलब एनिमेशन आप जैसे ही चार्ज को लगाएंगे तो एनिमेशन आपको कैसा दिखना चाहिए वो कर सकते हैं। उसके ऊपर चार्जिंग का एनिमेशन आप देख सकते हैं, आप कैसा यहाँ पर चार्जिंग का एनिमेशन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं, काफी सारा इफेक्ट दिया हुआ है यहाँ। फेस एनिमेशन, दोस्तों जब ये मोबाइल को ओपन करते हैं तो उसका फेस एनिमेशन कैसा रहना चाहिए वो भी आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। जब भी आप लॉक खोलने जा रहे हैं ना तो एनिमेशन यहाँ पर आप यहाँ से अपने कैटेगरी के हिसाब से आप अपने को जो भी अच्छा लग रहा है वो यहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों कैमरा का जितना भी सेटिंग रहता है उतना हम बताने वाले हैं, आ जाइए कैमरा पर, उसके बाद आप देख सकते हैं नाइट मोड। तो दोस्तों नाइट मोड में अगर आप आ जाते हैं ना तो क्या है आपका रात का समय है तो आप इसको नाइट में अपना फोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लाइट को कम बेसी करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर इस तरीके का लाइट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए लाइट बढ़ गया, कम भी कर सकते हैं, ऐसे आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं।
नाइट में अगर आप जूम करना चाहते हैं तो एकदम आसानी तरीके से जूम करके आप फोटो क्लिक कर। यहीं पर दोस्तों साइड में स्टाइल वाला ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करके आप यहाँ पर फिल्टर या स्टाइल में आप यहाँ पर कर सकते हैं आपको जैसे फोटो खींचने का रहता है। इसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं, इफेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसका आप लाइट कम बेसी करना चाहते हैं या फिल्टर कम करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल कर दिया हमने। और दोस्तों अगर आप स्टैंड में लगाकर अगर आप फोटो खींचना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन ऑन कर लीजिए, और स्टैंड पर लगाकर आप फोटो या वीडियो बनाना चाहते हैं नाइट मोड में तो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे जो भी साइज में अगर आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं वहाँ से आप बना सकते हैं, इस साइज में हमको फोटो लेना है तो आप ले सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से आप फोटो साइज कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला जो सेटिंग देख रहे हैं 3S 5S 10S, तो दोस्तों ये जो है ना इस पर मतलब आपका सेकंड है, जब भी आप फोटो खींचेंगे 3S पे हम कर दिए, जब भी हमको फोटो क्लिक करना 3 सेकंड बाद हमारा फोटो खींचा जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके का ये दिया है, आप 10 सेकंड 30 सेकंड जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, आपका फोटो खींचा जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है, मतलब पूरा उसका जूमिंग कर रहा है, उसका फोटो खींच लेगा। यहाँ पर एक सेटिंग और मिलता है स्टेबल, तो दोस्तों इस बटन को ऑन कर लेते हैं तो जैसे आप फोटो क्लिक करते हैं ना तो जैसे लगेगा कि आप फोटो को मतलब मोबाइल को हिलाए नहीं है, मतलब आप फोटो खींचेंगे तो मोबाइल जैसे लगेगा हिल नहीं रहा है। तो दोस्तों आप जैसे वाटरमार्क वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन ऑफ करने वाला है, यहाँ पर टेक्स्ट जो लिखने का लिख सकते हैं, वाटरमार्क आप दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जैसे मेरा फोटो क्लिक हो रहा है, अभी क्लिक हो जाएगा फोटो तो आप देख सकते हैं मतलब किस तरीके का वाटरमार्क आता है इस मतलब इमेज पर। तो दोस्तों अभी फोटो क्लिक हो चुका है और हम फोटो देख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वाटरमार्क आ चुका है। तो दोस्तों ऐसे आप मोबाइल में अपना वाटरमार्क दे सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दोस्तों इस बटन को अगर ऑन कर लेते हैं ना तो मतलब ऑटो फोकस मतलब ऑटोमेटिक आपका मतलब शरीर को फोकस कर लेगा कैमरा, ये सेटिंग था नाइट मोड का। तो दोस्तों ये जो सेटिंग है पोर्ट्रेट मोड, तो दोस्तों अगर आप पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपका हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपका बैकग्राउंड फोटो खींचेंगे तो आपका बैकग्राउंड हल्का सा ब्लर हो जाएगा, जब भी आप फोटो को खींचेंगे बैक साइड जो रहेगा वो ब्लर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाता है इफेक्ट फिल्टर, अब जो भी यहाँ से फिल्टर लगाना चाहते हैं जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं आप यहाँ से ब्लर कर सकते हैं, इसका मतलब कम बेसी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे फिल्टर लिखा है, इस पर भी आएंगे तो इससे भी फिल्टर होगा, फिल्टर कम बेसी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एफ वाला जो ऑप्शन है इसके आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आपका बैकग्राउंड भी ब्लर होता है। दोस्तों अभी यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसको जैसे इस साइड लेके जाएंगे ब्लर हो जाएगा, फिर इस साइड जाएंगे तो अनब्लर हो जाएगा। तो दोस्तों आप मतलब इसी तरीके का आप यहाँ इसको ब्लर कर सकते हैं आप अपना बैकग्राउंड को। यहाँ पर मिलता है HD वाला, तो दोस्तों इसको ऑन कर लेते हैं तो आप फोटो खींचेंगे तो आपका HD में आएगा। फिर यहाँ पर नाइट मोड आ रहा है, मतलब पोर्ट्रेट मोड में मतलब नाइट में भी आप फोटो को खींच सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस तरीके का सेम टू सेम वही सेटिंग है, जैसे आप मतलब जो भी फुल साइज सेलेक्ट करना चाहते हैं 16:9 आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप मतलब साइज मतलब जितना भी है सब वही सेटिंग है जो हमने पहले बताए हैं इसमें।